हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्कस कर लिया था कि रदरफोर्ड मॉडल था क्या। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के लिए क्या किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने गोल्ड ही क्यों चूज किया था, उन्होंने गोल्ड चूज किया था क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल था, सबसे ज्यादा डक्टाइल था। उसे पीट करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते थे, बहुत ही ज्यादा थिन शीट हम बना सकते थे, राइट। किसका यूज करके, गोल्ड का यूज करके, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल चूज किया। क्या चूज किया, गोल्ड फॉइल चूज किया, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया। क्या कराया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराया। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, जिसके पास 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट का क्या होता है, मास होता है ना। तो उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल क्या जा रहा है, स्ट्रेट चले जा रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, इट मींस क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड वैकेंट स्पेस इन द एटम। बहुत ज्यादा क्या है, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वैकेंट स्पेस, राइट। बहुत ज्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेस है और वैकेंट स्पेस, ठीक है। इट मींस क्या है, एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा खाली है। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्मॉल और लार्ज एंगल पे क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अगर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इट मींस क्या है, अल्फा पार्टिकल किस नेचर के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेचर के होते हैं। और अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वहां कोई सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। उसके अलावा था कि 12,000 में से, आप कहें 20,000 में से, या कह सकते बहुत सारों में से कोई एक, रेयरली कोई ऐसा हो रहा जो बाउंस बैक कर रहा था, रेयरली कोई ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। अगर वो बाउंस बैक कर रहा था बच्चों, इट मीन्स क्या है कि, है ना, 12,000 में से कोई एक है। इट मीन्स क्या है, जहां से वो बाउंस बैक कर रहा था वो बहुत छोटा है, 12,000 में से कोई एक है, राइट। क्या है, 12,000 में से कोई एक है, तो क्या कर रहा था, बाउंस बैक कर रहा था, 12,000 में से कोई एक, ठीक है। तो बाउंस बैक कर रहा था, इट मींस क्या, 12,000 में से एक को बाउंस बैक कर रहा था। इट मींस क्या है, न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी, क्योंकि 12,000 को एक साथ छोड़ा तो कोई एक रिवर्स आ रहा है, 12,000 को अगर एक साथ छोड़ा तो कोई एक रिवर्स आ रहा है, राइट। 12,000 को अगर एक साथ छोड़ा तो कोई एक रिवर्स आ रहा है, कोई एक वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, है ना, कोई एक वापस आ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही स्मॉल है, डेंस है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को कंपेयर किया था किससे, सोलर सिस्टम से, कि जैसे आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता, ठीक है, जैसे आपका सन होता है, उसके अराउंड क्या होता है, सारे प्लैनेट चक्कर मारते हैं, वैसे आपका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से, किससे, सोलर सिस्टम से। जैसे सन होता है वैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपको मालूम है, और इसके किनारे किनारे क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। जो प्रोटॉन होता है, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, कहां होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है, ये कहां होते हैं, न्यूक्लियस में, इसीलिए इन दोनों को मिला करके हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, राइट। तो प्रोटॉन आपका है, न्यूट्रॉन है, दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके किनारे किनारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं। अब हमने रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या देखा था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि, है ना, वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने स्टेबिलिटी क्या कर दी, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए, जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उसके हिसाब से कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो लगातार एनर्जी लूज करेगा, इसका मतलब एनर्जी वो क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए, एनर्जी क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए, और फाइनली वो क्या करता, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता। इट मीन्स एटम रदरफोर्ड के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं रहते, इसमें इट मीन्स रदरफोर्ड के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं रहते। फिर क्या करें,
है ना, यानी कि ये मॉडल क्या हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। फिर आया बोर्स का मॉडल। किसका आया? बोर्स का मॉडल, जो आपके पोस्ट का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है, राइट, बोर्स मॉडल आ बेटा। लेकिन उसके भी ड्रॉबैक्स है बच्चों, ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपके पोस्ट में तो नहीं है उसका ड्रॉबैक, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके भी ड्रॉबैक है, राइट। आपके लेवल पे सबसे सक्सेसफुल मॉडल वही है, आपके लेवल पे मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल कौन सा? बोर्स मॉडल आ बेटा, राइट। क्या आपका? बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट। क्या आपका? बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। किसने दिया था? नाम से ही पता चल रहा है क्या है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम किसने दिया होगा? नील्स बोर ने दिया। किसने दिया है? नील्स बोर ने, नील्स बोर, हाँ, नील्स बोर एक साइंटिस्ट का नाम है, फेमस साइंटिस्ट है केमिस्ट्री में, ठीक है। किसने दिया था इसको बोर्स मॉडल ऑफ एटम को? किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया। क्या दिया था? नील्स बोर ने दिया था। पहले मैं समझा देता हूँ ये क्या कह रहे थे। इन्होंने सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लाया था, शेल का कॉन्सेप्ट लाया था। इन्होंने बोला था ऑर्बिट होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, तो जो ऑर्बिट होता है ना, जिस गोल चक्कर में घूमता है, इन्होंने क्या बोला, बोर्स के पोस्टुलेट आते हैं, इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस पाथ को है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या सेल बोलते हैं, या फिर इसे एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। ध्यान से सुनना क्या कहा है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में बोर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन उन्होंने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, बोर्स ने क्या किया? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, सेल का कॉन्सेप्ट दिया, और एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि इन सेल्स की एनर्जी क्या होती है, इस ऑर्बिट की, इस पाथ की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इस पाथ की एनर्जी ऑफ दिस पाथ इज फिक्स, एनर्जी ऑफ दिस पाथ इज फिक्स, या कह सकते क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। मैं आपको सबका मतलब समझाता हूं, मैं आपको सबका मतलब समझाता हूं। तो रदरफोर्ड ने बोला कि किसी फिक्स पाथ से है ना, न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं। पहला पॉइंट है कि बोर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे किनारे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसी पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड, इन ए फिक्स्ड आर पर्टिकुलर पाथ, इन ए फिक्स्ड आर पर्टिकुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड आर पर्टिकुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस अराउंड इन अ फिक्स्ड या पर्टिकुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के किनारे किसी एक फिक्स या पर्टिकुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड या पर्टिकुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड या पर्टिकुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड या पर्टिकुलर पाथ, राइट। वो क्या करते हैं? किसी फिक्स या पर्टिकुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड या पर्टिकुलर पाथ, किसी फिक्स या पर्टिकुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, है ना। दोज पाथ्स है ना वेयर नेम्ड एज, दोज पाथ्स वेयर नोन, दोज पाथ्स आर कॉल्ड, दोज पाथ्स आर कॉल्ड, उन पाथ्स को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, या सेल बोलते हैं, या एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। तो क्या है ना, बोस ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के किनारे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के किनारे क्या करता है, एक फिक्स पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एक फिक्स पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस को पॉजिटिवली साइंस क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके किनारे किसी फिक्स पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, किसी फिक्स पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई फिक्स पाथ है, ठीक है। इनको क्या बोला गया? सेल बोला गया। तो फर्स्ट सेल को बोला गया
फर्स्ट सेल जो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेल, ये क्या है आपका फर्स्ट सेल, यहाँ पर क्या है सेकंड सेल, और यहाँ पर क्या है थर्ड सेल। सेल तो फर्स्ट सेल को बोला गया के सेल, कौन सा सेल, के सेल, राइट, के सेल भी बोला गया, फर्स्ट सेल को हमने के सेल भी बोला, या एनर्जी लेवल वन, क्या बोला गया, एनर्जी लेवल वन, खुद भी बोल सकते हैं आप। तो जो फर्स्ट सेल आपको दिख रहा है, जो पहला सेल दिख रहा है, जो पहला सेल है, फर्स्ट सेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट सेल बोलते हैं, या एनर्जी लेवल वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल वन बोलते हैं। उसी हिसाब से इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड वाले को सेकंड सेल बोलते हैं, या एल सेल बोलते हैं, एल सेल बोलते हैं, सेकंड सेल या एल सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल को हम के सेल भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल वन भी बोलते हैं, फर्स्ट सेल को हम के सेल भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल वन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड सेल को हम एल सेल बोलते हैं, या एनर्जी लेवल टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल टू बोलते हैं, है ना। सेकंड सेल आपका क्या, एल सेल है, एनर्जी लेवल टू, सेकंड सेल इज एल सेल या एनर्जी लेवल टू, सेकंड सेल आपका क्या, एल सेल है, एनर्जी लेवल टू। थर्ड सेल आपका क्या, थर्ड सेल आपका एम सेल होगा, थर्ड सेल TLMN, राइट। आप बोले चाहे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, या आप बोले, देखिए समझिए ना, आप पहले सेल को फर्स्ट सेल बोलिए, दूसरे सेल को सेकंड सेल, तीसरे को थर्ड सेल, चौथे को फोर्थ सेल, पांचवे को फिफ्थ सेल, है ना, छठवे को सिक्स्थ सेल, सातवें को सेवंथ सेल, और चाहे तो आप KLMN बोलिए, इसको आप बोल सकते हैं के सेल, इसको आप बोल सकते हैं एल सेल, इसको आप बोल सकते हैं एम सेल। उसी तरीके से अगला है आपका एन सेल, है ना, उसके बाद आपका ओ सेल, इस तरीके से KLMNO, है ना, इस तरीके से, राइट, शॉर्टकट में लिखते हैं एनर्जी लेवल थ्री। इसी तरीके से फोर्थ सेल अगर कोई होगा तो दैट विल बी एम एन सेल, KLMN सेल, एन सेल, राइट, और एनर्जी लेवल फोर, या एनर्जी लेवल फोर कहेंगे। तो इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बोर्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी फिक्स पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसी फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उन पाथ को हम, उन पाथ का नाम देते हैं क्या, उन पाथ का नाम देते हैं ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल, है ना, ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, या के सेल, एम सेल, एल सेल, है ना, KLMN सेल, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल टू, एनर्जी लेवल थ्री। तो इसको आप बना लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया, आप उसको बना लीजिएगा। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला, पहला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड या पर्टिकुलर पाथ, दोज पाथ्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल, है ना। अब लिखेंगे एनर्जी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर पाथ इज फिक्स्ड, पाथ इज फिक्स्ड, कहने मतलब क्या, एनर्जी ऑफ सेल इन ए पर्टिकुलर पाथ इज फिक्स्ड, और इन अदर वर्ड्स आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, राइट, एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन का इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, राइट। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की किसी एक पर्टिकुलर सेल में क्या होती है, फिक्स होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो किसी पर्टिकुलर सेल में क्या होती है, फिक्स होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड, राइट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर सेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट सेल है, यानी के सेल, ये आपका सेकंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है, ठीक है। मान लो इसकी एनर्जी E1 है तो ये फिक्स हो, इसकी एनर्जी E2 है तो ये फिक्स होगा, इसकी एनर्जी E3 है तो ये क्या होगा, फिक्स होगा, ये क्या होगा, E4 है तो फिक्स होगा। तो फिक्स एनर्जी होती है इनकी, क्या होती है एनर्जी, क्या होती है, फिक्स होती है एनर्जी, क्या होती है, फिक्स होती है। इस पर्टिकुलर सेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है एनर्जी, फिक्स क्या है, फिक्स्ड है। तो बोर ने क्या बोला, ध्यान देंगे, बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो किसी एक पर्टिकुलर पाथ में, किसी एक फिक्स्ड पाथ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड किसी फिक्स्ड पाथ में, किसी एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करता है।
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर या फिक्स पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर या फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड किसी पर्टिकुलर या फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है। उन पाथ्स को हमने बोला ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल। हमने क्या बोला, ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल, ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल, राइट, ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर पाथ इज फिक्स, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज फिक्स। एनर्जी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेल का क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आपका फर्स्ट सेल की एनर्जी इवन फिक्स है, E2 वो फिक्स है, E3 वो फिक्स है। क्लास 11th में जो हम पढ़ेंगे तो इन एनर्जीज की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, इन एनर्जीज की क्या करेंगे, वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप बात करें कि क्या मतलब एटम कैसा है एक्चुअली, आपके लेवल पे आपको इतना समझना है कि एटम कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह का है। असलियत में एक बना लेते हैं रियल स्ट्रक्चर, तो आपको अपने लेवल पे ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन का सिंबल ऐसा होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल ऐसा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपका क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस, राइट, क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बता चुका हूं आपको पहले भी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, मिला जुला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व, इसके किनारे किनारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, कलरफुल, यहाँ पर न्यूक्लियस, इसके किनारे किनारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो आपका क्या है, यहाँ पर सेल नंबर वन, एनर्जी लेवल वन, या फर्स्ट सेल बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल वन या फर्स्ट सेल बोलते हैं। सिमिलरली आपका यहाँ पर फर्स्ट सेल होगा, ये सेकंड सेल होगा, या आप इसको के सेल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, के सेल बोल सकते हो, इसको आप एल सेल बोल सकते हो, इसको आप एम सेल बोल सकते हो। सिमिलरली एक चौथा होता तो उसको के एल एम एम सेल बोलते, अगला ओ सेल बोलते, क्या हम बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल टू, एनर्जी लेवल थ्री, एनर्जी लेवल फोर, एनर्जी लेवल फाइव, इस तरीके से बोले, राइट, ठीक है, एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल टू, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप पहले सेल को या तो बोलिए फर्स्ट सेल, दूसरे सेल को सेकंड सेल, तीसरे सेल को थर्ड सेल, फोर्थ सेल, चौथे सेल को, या फिर आप उसको के सेल, एम सेल, एल सेल, इस तरह से बोल सकते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, या एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल टू, एनर्जी लेवल थ्री, ये तीनों ही आपकी एक ही बात है, ठीक है। अगर आपका ड्रॉबैक आप बोस बोर्ड होता है ना, ड्रॉबैक ऑफ बोस मॉडल, बोस मॉडल आपके कोर्स की बात नहीं है, है ना, आपके कोर्स की बात नहीं है, थोड़ा सीनियर क्लास की बात, थोड़ा बहुत फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बोस मॉडल के हिसाब से एटम कैसे होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्चुअली आपको काम तो नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके कोर्स कहेंगे तो आपको इतना ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। बोस मॉडल का भी ड्रॉबैक था, ऐसा नहीं है, ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल था लेकिन इसका भी क्या था, ड्रॉबैक था। बोस मॉडल का क्या ड्रॉबैक था, बोस मॉडल का ड्रॉबैक था कि बोर ने क्या किया था, उनने क्या किया था, एटम को 2D में इमेजिन किया था, किसमें इमेजिन किया था, 2D में, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके कोर्स का नहीं है बिल्कुल भी, आप टेंशन फ्री रहे, ठीक है, तो आपको याद याद नहीं रखना है। बोर ने क्या किया था, एटम को 2D में इमेजिन किया था, किसमें इमेजिन किया था, 2D में, टू डायमेंशन में, है ना। बोर ने क्या किया था, एटम को 2 डायमेंशन में इमेजिन किया था, बट एक्चुअली एटम कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल, फर्स्ट पॉइंट। तो पहला ड्रॉबैक था इनका, पहला ड्रॉबैक था बोस का, ठीक है, नोट नहीं करना, परेशान नहीं होना, बस समझ लेना है, सीनियर क्लास में जाएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम क्लास 11th में पढ़ाएंगे आपको, वो बहुत डिटेल में और ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बोस मॉडल में क्या पहला पॉइंट है, मतलब ड्रॉबैक का, है ना, बोस मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने एटम को क्या किया था, 2D में इमेजिन किया था। बोर ने क्या किया था, एटम को 2D में इमेजिन किया था, और बोर है ना, एटम एक्चुअली होता कैसा, 3D में होता, एटम एक्चुअली होता कैसा, 3D में होता, ठीक है। तो बोर ने एटम को 2D में इमेजिन किया, 2 डायमेंशनल में इमेजिन किया, और एक्चुअली एटम होता कैसा है, 3D में होता, ठीक है। तो 2D में इमेजिन किया, इन्होंने क्या किया, 2 डायमेंशन में इमेजिन किया, उन्होंने 2 डायमेंशन में इमेजिन किया, यानी कि प्लेनर इमेजिन किया बोर्स मॉडल में, है ना। इन्होंने एटम को कैसे इमेजिन किया, 2D में इमेजिन किया, 2 डायमेंशनल में इमेजिन किया, 2D में इमेजिन किया, बट एक्चुअली कैसे होते हैं, है ना, ये 3D होते हैं, एक्चुअली कैसे होते हैं, 3D होते हैं। तो 2D में इमेजिन किया और एक्चुअली कैसे होते हैं, 3D में होते हैं, ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है, आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगा,
उन्होंने स्टार्क और जीमान इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कौन कौन सा? स्टार्क और जीमान इफेक्ट। अभी क्या होते हैं, क्लास 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है, घबराए नहीं, बस इसे बता रहा हूँ ताकि आप सुने रहे, है ना। कोई भी फिर आपके सामने से स्टार्क और जीमान का नाम ले तो अपने आपको छोटा मत महसूस करना, आप भी सीख लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा अभी इस टॉपिक से हट के, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सीनियर क्लास की बात सुनते हैं, तो जैसे किसी ने स्टार्क और जीमान, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोल दिया, सपोज मैंने अभी सेकंड पॉइंट बोला, है ना, पहली चीज बोली कि मैंने रदरफोर्ड 2D में इमेजिन किए थे, बट एक्चुअली 3D होता है। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि उन्होंने 2D में इमेजिन किया बट 3D में होता है, एक्चुअली में कैसा होता है 3D में होता है। उन्होंने एटम को 2D में इमेजिन किया, 2D इमेजिन किया बट एक्चुअली कैसा होता है 3D में होता है, एक्चुअल में क्या होता है 3D होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला मैंने कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या क्या, स्टार्क और जीमान इफेक्ट। रदरफोर्ड स्टार्क और जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टार्क और जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब बच्चा क्या करेगा, जैसे आप लोगों ने सुन लिया स्टार्क और जीमान इफेक्ट, लेकिन आपको पता थोड़ी ना क्या, अब किसी बच्चों के साथ सामने आप बोलोगे तो इन्फीरियर महसूस करेगा, तो वो बच्चा जो इन्फीरियर महसूस कर रहा है गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है? वो गलत कर रहा है ना, क्योंकि आपको भी नहीं पता स्टार्क और जीमान इफेक्ट क्या होता है। जब आप क्लास 11th में आएंगे तो बताएंगे हम आपको, इनफैक्ट क्लास 11th में भी इतना डिटेल से नहीं बताते, वो सीनियर क्लासेस की बात है। तो इसका मतलब ये है कि किसी का ना आप ऐसी बातें सुन करके डिप्रेस नहीं होना, वो करना है। मेरा एक मानना है कि जो जिस टाइम पे जरूरी है, जो टॉपिक जिस टाइम पे जरूरी है, जितना जरूरी है उतना अगर आप अच्छे से करेंगे, क्लास 9th का कोर्स क्लास 9th में, कुछ बच्चे क्या करते हैं 7th क्लास में 10th क्लास का कोर्स पढ़ते हैं, अच्छा है, अगर आपका दिमाग अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा है। मैंने भी क्लास 10th और 12th दोनों में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्वालिफाई किया था, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर क्लास में आप वही पढ़ो जो उस क्लास के लिए जरूरी है, या थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर आपका दिमाग अलाउ करे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो। ऐसा मत करो कि आप 6th क्लास और 10th क्लास का पढ़ लो, लेकिन ना आपको 6th का आता हो ना 10th का आता हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चा जो कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए, लेकिन स्लोली स्लोली, पहले आप समझते चलो, समझते चलो चीजों को, जो सीखना जरूरी है कोई एक चीज उसको सीखना जरूरी है, है ना। जैसे खाना बनाते हैं ना, अगर आपको तड़का लगाना आता ही नहीं, दाल अगर तड़का लगाना आया नहीं और आप, है ना, पनीर पसंदा बना रहे हैं तो भी चक्कर वाली बात है ना, ना ही दाल बनाना आता, ना ही पनीर पसंदा, ना पनीर लगा, चिकन बटर चिकन ये तो छोड़ ही दो, राइट। तो वही चीज है कि अगर किसी को रोटी बनाते देखा, सोचा कि ये तो आ ही जाएगा, है ना, बोला रोटी तो मुझे आ गई। किसी को आपने देखा कि भाई वो कुछ बना रहा, चाउमीन बना रहा, ये कर रहा, चाइनीज इटालियन, आपने कहा बस बस देख के मुझे समझ में आ गया, आप देख तो सब लिए, आपको आता कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना बच्चों, रोटी गोल करने के लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अलग रहते हो अगर अपना खाना बनाओगे कभी, है ना, हमने मतलब अगर कभी हमने क्या किया, हम रोटी गोल करने की तो समस्या है, समझ में आ रहा। तो प्रैक्टिस, हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट, हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, समझे, ओके। तो रदरफोर्ड का कि स्टार्क और जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके अलावा थर्ड पॉइंट भी था आपका कि रदरफोर्ड का जो एटम मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी कि ऐसे एटम के लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे एटम्स या आयन जिनके पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड का, सॉरी, बोस मॉडल, है ना, बोस मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं। तभी मुझे पता है आपको मैक्सिमम बातें समझ में नहीं आई होंगी, मुझे पता, बहुत ऑब्वियस बात है, इसको डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ऐसे ध्यान रखो कि बोस के हिसाब से, बोस मॉडल के हिसाब से उन्होंने एटम को 2D में इमेजिन किया था, बट एक्चुअली कैसे होते, 3D होते। उन्होंने किसमें इमेजिन किया था? 2D में, बट एक्चुअली कैसे होते, 3D होते। वो स्टार्क और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरा, उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो आपका उनका एटॉमिक मॉडल था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, समझे। चलो आसान है, ठीक है, तो बोस मॉडल हो गया। और हम बार बार एक चीज देख रहे थे कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिख रहे थे हम, एटम के अंदर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख रहे थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम के पास क्या है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, 3 स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है एटम के पास? क्या है? 3 स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब एटम जिससे बना हो, एटम जिससे बना हो, सब एटॉमिक नाम नहीं है, है ना, एटम जिससे बना हो, राइट, एटम जिससे क्या हो, बना हो। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन कौन से? पहला आपका इलेक्ट्रॉन, पहला आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन और तीसरा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसा होता है,
प्रोटॉन का सिंबल ऐसा होता है और न्यूट्रॉन का सिंबल ऐसा होता है। सिंबल में थोड़ा वो फेर फेर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर तीन स्टेबल क्या होता है आपके, थ्री स्टेबल होते हैं ना, तीन स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। आप बोलते हैं सर बार बार सब यहाँ स्टेबल स्टेबल क्या बोल रहे हैं, है ना, दिमाग खराब हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ कि देखो एटम बना किन किन चीजों से होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन एटम के अंदर केवल यही सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते बच्चों, ये ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। हम बार बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं कि एटम किससे किससे बना हुआ है, एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। एटम किससे किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, राइट। किससे किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। बट ये क्या है, स्टेबल वाले है ना, ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, जिनसे एटम बना हुआ। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, जिनसे एटम बना हुआ। इनसे क्या है आपका, एटम बना हुआ। जिनसे आपका क्या है, एटम बना हुआ। जिनसे एटम बना हुआ, राइट। लेकिन जरूरत नहीं आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, जिनसे एटम बना हुआ। तो ये क्या आपके स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। हमें नहीं तीनों के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके अलावा बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एटम में और पार्टिकल्स नहीं होते, इतने सारे होते हैं। एटम के अंदर बहुत सारे अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो केवल ये नहीं है कि आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे एटम बना हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे एटम बना हो, ठीक है। तो उनमें हमारा क्या क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इनको हम इसलिए कहते हैं कि एटम के पास पूछा था आपसे कि एटम के पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपका जवाब होगा थ्री। क्यों, क्योंकि यही तीन स्टेबल है। बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, रेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, अनस्टेबल होते हैं। अगर आप इनका एग्जाम्पल पूछना चाहो अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो बहुत सारे न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसॉन, पॉजिट्रॉन और मेसॉन। इतना रटना नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। आपको केवल तीन याद रखनी, ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये स्टेबल होते हैं, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं। वो चीजें हमें क्यों याद रखनी जो अनस्टेबल है, राइट। तो स्टेबल वाले कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी सब क्या है, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है। बाकी सब क्या है आपके, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड मेसॉन। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड मेसॉन, ठीक है। अनस्टेबल वालों का बिना आप चाहें तो याद रख सकते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड मेसॉन। कौन कौन से, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसॉन। ये सब क्या है आपके, अनस्टेबल पार्टिकल। क्या है आपके, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। ये एटम के अंदर होते हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, बार बार खत्म होते रहते, खत्म होते रहते, बनते रहते, खत्म होते रहते, है ना। तो अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, एटम के अंदर बनते रहते, खत्म होते रहते, बनते खत्म होते रहते किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो बनते रहते, खत्म होते रहते, लेकिन स्टेबल वाले बने रहते हैं, वो मेंटेन रहते, ठीक है। तो स्टेबल वाले आपके तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपके तीन जो है, आपके जो है, आपके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल के, ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है। और इनके बारे में हमें क्या करना, डिटेल में पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ना, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की है ना, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए ठीक है ना, अब इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।